नमस्कार, मैं आदित्य शुक्ला समाचार इंडिया न्यूज की आज की सबसे बड़ी खबर चंदौली से है, जहां पर इंडियन ऑयल के मुख्य द्वार पर डीजल पेट्रोल के अवैध गोदाम में भीषण आग लग गई। मौके पर लोगों ने पुलिस प्रशासन को जानकारी दी और घंटों की मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें, यह पूरा इलाका दर्जन भर से अधिक तेल के अवैध गोदामों के नाम से जाना जाता है। इन गोदामों को पुलिस संरक्षण भी प्राप्त है। यहाँ एक बार CBI की रेड भी पड़ चुकी है, जिसमें कई पुलिसकर्मी निलंबित किए गए थे और कई सलाखों के पीछे भी गए थे। इसके बावजूद भी तेल का काला खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है और यह सब प्रशासन के नाक के नीचे चल रहा है। आज अचानक अवैध गोदाम में आग लग जाने से एक बार फिर काले कारोबार की पोल खुल गई है। शमशेर चौधरी की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज़, चंदौली। नमस्कार, मैं आदित्य।